Welcome, children, to the Gyani program of DD Uttarakhand. You are watching English classes of English, and I am Prabhakar Devani, sir, from UPS Kota Santur, Saispur, Dehradun. बच्चों, नया सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स डू अ माइंडफुल एक्टिविटी. एंड माइंडफुल हम करेंगे माइंडफुल लिसनिंग. ठीक है, सो क्लोज योर आईज, अपनी आंखें सब बंद कर लेंगे और सीधा बैठ जाएंगे आराम से विद योर बैक स्ट्रेट. और अपने आसपास जो चारों ये साउंड्स हैं उन पे आप ध्यान देंगे. ठीक है, वो आवाजें किसी चीज की भी हो सकती हैं. तो आप अपनी सांस रोक करके सांस ले लेंगे और हल्की हल्की अपने आती हुई या जाती हुई सांसों पे ध्यान देंगे. और जो साउंड्स कैन बी ऑफ बर्ड्स, ऑफ ट्रैफिक, ऑफ ट्रीज, ऑफ विंड, ठीक है, उन साउंड्स को आप ध्यान से सुनेंगे, महसूस करेंगे कि आपके आसपास वो साउंड्स आ रही हैं. ठीक है, क्लोजली आप सांस भी लेते रहेंगे. आप लोग आती हुई सांस पे, जाती हुई सांस पे आप ध्यान देंगे. ठीक, जब कभी भी आपको सहज महसूस करें तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. सिंस दिस सेशन इज ऑफ लिमिटेड टाइम, तो हम लोग कम कराते हैं इसको, ज़्यादा हम कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे करते हैं, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं और कब तक खुलेंगे कुछ पता नहीं है. सो टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू लेसन, न्यू एक्सरसाइज, दैट इज ऑफ ग्रामर. और ग्रामर में हम लोग करेंगे पंक्चुएशन. ठीक है बच्चों, तो लेट मी टेक यू टू द स्मार्ट बोर्ड. स्मार्ट बोर्ड की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ, देखते हैं क्या है उसमें. चलिए, दिस इज व्हाट इज पंक्चुएशंस. ठीक है बच्चों, हम लोग लेसन पढ़ते हैं, पोएम भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं. उन सब जब हम पढ़ते हैं लेसन को, तो कहीं हम रुकते हैं. ठीक है, तो उस सेंटेंसेस में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी उस बुक में. यदि आप एक लेसन है, एक पैराग्राफ है, एक एसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, उन सब में आपका कुछ ना कुछ मिलेगा. वो क्या हो सकते हैं, वो फुल स्टॉप हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं, पैराग्राफ वाले कोटेशंस वाले हो सकते हैं, एक डैश वाले वो होते हैं. सो ये जितने भी चीजें हैं, ये दिस इज ऑल आर कॉल्ड पंक्चुएशंस. ठीक, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं हर पंक्चुएशन का एक कार्टून बना हुआ है. ठीक है, तो कार्टून शो कर रहा है वो अलग अलग पंक्चुएशंस. ठीक है, तो पंक्चुएशंस क्या क्या हैं वो, सी द कार्टून हियर. चलिए अब हम करेंगे पंक्चुएशन क्या है. नाउ पंक्चुएशंस, अगर मैं हिंदी में भी करूं बताऊं आपको, पंक्चुएशंस पहले तो होता है कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो भी पंक्चुएशंस के अंदर आता है. ठीक, जब हम अभी तो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, डिटेल में हम बताएंगे कि कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं. नेक्स्ट पंक्चुएशन होता है हमारा फुल स्टॉप. फुल स्टॉप क्या होता है, एक छोटा सा बिंदु होता है, उसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फुल स्टॉप. उसके बाद होता है क्वेश्चन मार्क. ठीक, जो सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें तो फुल स्टॉप लगता है. एसर्टिव सेंटेंस में यदि नेगेटिव होगा तो वो भी उसमें फुल स्टॉप लगेगा, इम्पेटिव सेंटेंस होगा उसमें फुल स्टॉप लगेगा. लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, वो प्रश्नवाचक, क्योंकि वो प्रश्नवाचक क्या है, सेंटेंसेस हैं, तो दैट इज व्हाट इज, इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क. तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये ऐसे होता है और इट इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क. उसके होते हैं कुछ सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं उनको, जिसमें बोधक चिन्ह, जिसमें आपका फीलिंग शो करता है. फीलिंग वो किसकी हो सकती है, जॉय की हो सकती है, हैप्पीनेस की हो सकती है, दुख की हो सकती है, फीलिंग्स हो सकती है, वाओ, हुर्रे, ये सब फीलिंग्स हैं. अलास, ही इज नो मोर, बेचारा नहीं, बेचारे की डेथ हो गई. सो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, राइट, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहेंगे या पॉइंट कहेंगे, तो ये उसका साइन ऐसे होता है, ये वाला, विस्मय बोधक चिन्ह हिंदी में कहते हैं. ठीक, ये सब मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा कि फुल स्टॉप कहाँ यूज होता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ यूज होता है. उसके होता है कॉमा. कॉमा का साइन एक बिंदु, उसके आगे कॉमा लग जाता है, दैट इज
व्हाट इज कॉल्ड कॉमा, अल्प विराम कहते हैं हिंदी में उसको। अगला है कोटेशन मार्क, किसी ने कुछ कहा वो कोटेशन के अंदर आता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं उसको, कोटेशन मार्क भी कहते हैं उसको, उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं उसको हिंदी में। नेक्स्ट है कोलन, कोलन क्या है, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम तो ये वाला हो गया, लेकिन अपूर्ण विराम वो क्या कहलाएगा, कोलन। उसमें क्या होते हैं, दो बिंदु होते हैं, इसमें अगर एक बिंदु हो तो इसमें कितने बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कोलन। नेक्स्ट इज सेमी कॉलन, ये एक बिंदु है और एक कॉमा है, इसको कहते हैं हिंदी में अर्ध विराम, ये पूर्ण विराम है या पूर्ण विराम है, ये अर्ध विराम है। अगला आता है एपोस्ट्रॉफी, कॉमा को यदि हम ऊपर ले जाएं तो उसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी, ए पी ओ एस टी आर ओ पी एच ई, आपको स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए सबकी, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, कोटेशन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन, एपोस्ट्रॉफी, आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए, स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। तो इस एपोस्ट्रॉफी अक्षर लोप चिन्ह कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी। कहीं कहीं पर आपको अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं कहीं पर डैश भी आता है, डैश चिन्ह हिंदी में भी डैश चिन्ह कहलाएगा ये। उसके बाद आता है छोटा, डैश थोड़ा बड़ा होता है, हाइफन छोटा होता है, तो ये हाइफन एच वाई पी एच ई एन हाइफन, इसे कहते हैं हाइफन चिन्ह, ठीक है। राउंड ब्रैकेट मैथ्स में हम लोग यूज करते हैं इसको, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक, ठीक, कोष्टक कहलाते हैं राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। जनरली किस में होता है, ये मैथ्स में होता है, लेकिन कभी कभी इंग्लिश में भी यूज किया जाता है। सो राउंड ब्रैकेट इस प्रकार से होता है, कर्ली ब्रैकेट इस प्रकार से होता है, स्क्वायर ब्रैकेट इस प्रकार से होता है, एक इलिप्सिस, इसमें तीन डॉट होते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर ऑल पंक्चुएशन मार्क, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, फुल स्टॉप, सब पहले तो कैपिटल लेटर्स होता है, फिर होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कॉमा, कोटेशन मार्क, कोलन, सेमी कॉलन, एपोस्ट्रॉफी, डैश, हाइफन, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इलिप्सिस, ठीक है, दीज आर द व्हाट ऑल पंक्चुएशन मार्क। अब हम एक एक करके लेंगे, सब पहले मैंने बताया था कैपिटल लेटर्स, ठीक, कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस, हर वाक्य का पहला शब्द, वो चाहे कैसा ही लेटर हो, तो प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर माय फादर इज अ टीचर, ठीक है, तो माय का एम मैंने क्या किया, ब्लू से येलो से कर दिया है, ताकि पता लग सके आपको कि जो माय है क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। Although it is a simple sentence, it is an assertive sentence, positive sentence, पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, ये रूल्स की बात कर रहा हूँ, कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज होते हैं, माई फादर इज अ टीचर, ठीक, सो माई हेयर इज एम कैपिटल हो गया। उसके बाद सेकेंड देखेंगे वट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, ये कैसा सेंटेंस है, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक ये वाक्य है, तो इसमें भी क्या है, पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा होगा, व्हाट, डब्ल्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, क्योंकि ये फीलिंग शो कर रहा है आपने, कितनी सुंदर पिक्चर है, तो यहां पर भी क्या होगा, डब्ल्यू, इट इज कैपिटल लेटर। देन गेट आउट ऑफ माय क्लास, दिस इज एन ऑर्डर, ये ऑर्डर है, तो ये क्या सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, इम्पेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, एसर्टिव सेंटेंस हो, उसमें सब में क्या आता है, पहला अक्षर बड़ा आता है, माय, एम, डब्ल्यू, डब्ल्यू, जी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कैपिटल लेटर्स की, कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इसी में सेकेंड बताऊँ, पर्सनल प्रोनाउन, आई,
आई जहां कहीं भी आएगा वो कैपिटल आएगा. जैसे अगर मैं ये सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस है ये, आई एम अ बॉय एंड आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं एक लड़का हूं और मैं 10 साल का हूं, तो आई जहां भी यूज होगा, आई आई कभी भी छोटा नहीं होता है, चाहे वो बीच में हो चाहे वो स्टार्टिंग हो. तो आई एम अ बॉय एंड आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, तो यहां पर भी आई बड़ा हो गया, यहां पर भी आई बड़ा हो गया. ठीक है, तो ये आई दोनों क्या हो गए, बड़े हो गए. सो पर्सनल प्रोनाउन में भी कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट देखते हैं, नेम्स ऑफ पीपल एंड पेट्स. जितने भी जानवर हैं, पेट्स हैं, लोग हैं, जितने भी नाम हैं, चाहे वो नाम पहले आए, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, हर जगह कैपिटल लेटर, फर्स्ट वर्ड, पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल होगा. जैसे यहां पर है, निशा हैज अ पेट कैट, इट्स नेम इज मीनी. निशा एक लड़की का नाम है, इसलिए एन बड़ा कर दिया हमने. उसके पास कैट है, उस कैट का नाम क्या है, मीनी है. तो मीनी में यहां भी नाम आ गया, यहां भी नाम आ गया. तो जितने भी नाम हैं सबके क्या होगा, कैपिटल लेटर्स होंगे. और देखो मैंने यहाँ लाल से भी किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद भी क्या होता है, फुल स्टॉप के बाद जो भी होगा वो भी फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा. और क्योंकि यहाँ पर आई है तो मैंने बताया था आपको, तो आई कभी फर्स्ट, उसके बाद फुल स्टॉप का जो भी लेटर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा. अगर सिंगल आई होगा तब बड़ा होगा, अगर किसी साथ आएगा तो तब बड़ा नहीं होगा. जैसे इज है, ये बड़ा नहीं होगा, ये छोटा ही होगा. सो इट्स नेम इज मीनी, राइट. सो पीपल, जितने भी लोग हैं, राम, मोहन, सोहन, सबके नाम, पेट्स के नाम भी, पेट का नाम, कैट डॉग नहीं, ये जो उसका नाम होगा, देन इट विल बी वो कैपिटल लेटर. फोर्थ वन, डेज ऑफ वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर. ठीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है ना, सबके सब जितने भी मंथ्स हैं वीक के, उनका जो फर्स्ट लेटर होगा that will be capital. In the same way, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, in sab ke first alphabet bhi kya hoga, bada hoga. So, aur ye to hoga hi hoga, kyunki starting sentence hai, to we red se kar liya, kyunki hum is pe baat kar rahe hain, agar days of week baat kar raha hu, to isliye maine isko kya hua, yellow se kiya hua hai. So, we are going to zoo on Sunday, 22 नवंबर. 22 नवंबर को हम कहाँ जा रहे हैं, जू में जा रहे हैं. तो संडे का एस बड़ा हो गया, नवंबर का एन बड़ा हो गया. सो डेज ऑफ वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर. फिफ्थ देखते हैं, नेम्स ऑफ फेस्टिवल एंड स्पेशल इवेंट्स. ठीक है, जितने भी आपके हमारे फेस्टिवल्स हैं, दिवाली, दशहरा, ईद, होली, जन्माष्टमी, वो सब भी हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं. तो दिवाली का डी, ईद का ई, ठीक, फेस्टिवल जितने भी हैं कैपिटल लेटर्स यूज होंगे, बीच में होगा, और स्पेशल इवेंट्स जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, ये सब हमारे नेशनल हॉलीडेज हैं, नेशनल डेज हैं, तो इनका भी हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करेंगे. सो रिपब्लिक का आर बड़ा हो गया, डे का डी बड़ा हो गया. ठीक है, तो नेम्स ऑफ फेस्टिवल एंड स्पेशल इवेंट्स. आगे चलते हैं, नेम्स ऑफ प्लेसेस. जितने भी जगह हैं, छोटी जगह, बड़ी जगह, बड़ा शहर, बड़ी कंट्री, कंट्री कैपिटल, ऑल नेम्स विल हैव फर्स्ट अल्फाबेट एज कैपिटल वन. सो नागालैंड का एन बड़ा हो गया, देहरादून का डी भी बड़ा हो गया, दून भी बड़ा हो गया. कोई जगह है, फेमस जगह है, इंडिया गेट, दिस ऑल्सो विल बी योर कैपिटल लेटर्स. ठीक है, तो जितने भी हमारे नाम हैं, गंगा, अभी हम आगे चलेंगे, अभी हम प्लेसेस की बात कर रहे हैं. फिर बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं, किताबें हैं, वहां भी क्या होगा, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी कैपिटल उसमें होगा, राइट. सो यहां पर देखो, हम बात कर रहे हैं सातवें की, बुक्स, लैंग्वेज, नेशनलिटीज. बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं, जैसे जंगल बुक, जैसे आपका गीता हो गया, महाभारत हो गया, जितनी भी किताबें हैं रिटन बाय वेरियस ऑथर्स,
दैट विल बी इन कैपिटल लेटर. उसके बाद नेशनलिटीज, रहने वाले, जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियंस, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, श्रीलंका में रहने वाले श्रीलंकन्स, इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लिश पीपल, ठीक है ना, पाकिस्तान इंग्लिश. तो इसमें भी क्या होंगे, जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा दैट विल बी कैपिटल. जंगल, जंगल बुक का जंगल जे एंड बी, गीता का जी, इंडियन का आई, पाकिस्तान का पी, इंग्लिश का ई, ठीक है. तो ये सब कैपिटल लेटर्स यूज होंगे. नेक्स्ट सी, नेम्स ऑफ रिवर, माउंटेन्स, ओशियंस. जितने भी हमारे नदियां हैं, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, ओशियंस, उनका भी क्या होगा, कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल. फर्स्ट वर्ड विल बी कैपिटल लेटर्स. रिवर्स क्या क्या हो सकती हैं, रिवर्स कैन बी गंगा, यमुना, तो नर्मदा, गंगा, हिमालयाज, इंडियन ओशियंस, दिल्ली, आगरा, हिमालयाज, एवरेस्ट, इंडियन ओशियन, इंग्लिश, हिंदी, वेदास, रामायण, इंडिया, इंग्लैंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ठीक है, जितने भी नाम हैं वो सब कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. देन किसी भी आपका जो पोएम है, पोएम स्टार्टिंग ऑफ एनी पोएम, किसी भी पोएम का जो फर्स्ट लाइन होगी वो भी क्या होगा, कैपिटल होगा. जैसे पोएम हमने पढ़ी है, हमने हमारी बुक में है, द माउंटेन इन द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, तो द का टी बड़ा हो गया, हैड अ क्वारल का एच बड़ा हो गया, ठीक है. तो ये सब कैपिटल लेटर्स हैं, हम लोग बात कर रहे हैं तो कैपिटल हम लोगों ने पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ हम किसका इस्तेमाल होता है कैपिटल लेटर्स का. नेक्स्ट हमारा आता है फुल स्टॉप, विराम, पूर्ण चिन्ह, पूर्ण विराम कहते हैं उसको, फुल स्टॉप इज देयर. फुल स्टॉप हम कहाँ यूज करते हैं, एक बड़ा सा होता है फुल स्टॉप, ठीक है ना, ये फुल स्टॉप देखो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, ये सब जो है फुल स्टॉप लगे हुए हैं. अभी कैसे यूज होते हैं, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के आखिरी का, वो भी सेंटेंस कैसा होना चाहिए, वो सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए, इंपेरेटिव भी हो सकता है वो, नेगेटिव भी हो सकता है वो, क्वेश्चन मार्क में नहीं लगेगा. सो ही लिव्स इन अल्मोड़ा, और लास्ट में क्या लगा दिया हमने, फुल स्टॉप लगा दिया. तो फुल स्टॉप कहाँ इस्तेमाल होता है, किसी भी वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है, ठीक. तो असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव या नेगेटिव, वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है. जैसे हरी विल गो, आई लिव इन पंजाब, ही लिव्स एट इन अल्मोड़ा. तो यहाँ पर देखो और चीज़ हमने क्या करा, ही का एच भी बड़ा, एच हमने बड़ा कर दिया क्योंकि फर्स्ट वर्डर हमने बताया कैपिटल लेटर में एच बड़ा होता है. अल्मोड़ा नाम है शहर का, तो वहाँ भी ए बड़ा होगा. उसके बाद सम इनिशियल्स आर देयर, किसी के शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, इनिशियल्स होते हैं, जैसे आपका जवाहरलाल नेहरू, वहां पर भी क्या होगा, फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया होता है. जैसे जवाहरलाल नेहरू का क्या हो गया, जे एल नेहरू हमने शॉर्ट कर दिया, तो जे का जे फुल स्टॉप, एल फुल स्टॉप, नेहरू शॉर्ट फॉर्म हमने कर दी उसकी, तो वहां वी आर यूजिंग व्हाट, फुल स्टॉप्स वी आर यूजिंग. देन नेक्स्ट इज टू मार्क एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म जहाँ यूज होती है वहाँ भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यू एन ओ, जैसे बी ए, जैसे एम एस सी, जैसे बी एस सी, और बहुत सारे नाम जो जो भी होंगे वो वहाँ पर हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे. यू एन ओ, बी ए, बी एस सी, एम एस सी, सी डी, ठीक है, तो वहाँ वी आर यूजिंग फुल स्टॉप. फुल स्टॉप को हिंदी में हमने बताया क्या है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन मार्क. अब क्वेश्चन मार्क देखिए, क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से, इसमें क्या होता है, गोल सा होता है, बीच में फुल स्टॉप लगता है. अब कहाँ यूज होता है, अ क्वेश्चन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस, सो यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप. तो फुल स्टॉप में कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन यदि वही सिंपल सेंटेंस प्रश्नवाचक हो जाए तो वहां हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे. एग्जांपल के लिए, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड कौन सा है. व्हेन वुड यू लाइक टू गो टू लंदन, हाउ डू यू फील टुडे, दीज ऑल थ्री आर व्हाट योर फैमिली है
डब्ल्यू एच व्हाट व्हेन वेयर हुम व्हिच या हाउ, ठीक है ना, या हैव यू, हैव, हैज, हैड, इससे भी इस्तेमाल यदि आप क्वेश्चन होता है तो वहां हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं. अब क्वेश्चन मार्क देखो, क्वेश्चन मार्क ऐसा होता है एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वहां वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल के लिए वेयर आर यू गोइंग, व्हेन विल यू कम, तो डब्ल्यू एच वाले जितने भी हैं उसके आखिर में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा. ठीक, क्वेश्चन मार्क वहां भी लगेगा जहां पर क्या होगा, हैव डन योर, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, राइट. सो यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क हम लोग बस कर रहे हैं. सो क्वेश्चन मार्क, यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमने क्या क्या करना चाहिए, हमको क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना चाहिए. एग्जाम्पल के लिखा हुआ मैंने, Why does the tail of a comet point away from the sun? A question है, इसलिए there is a, what is used? Question mark has been used. चलिए next चलते हैं exclamation mark. Exclamatory mark प्रकाश और विश्व में बोधक चिन्ह कहते हैं हिंदी में इसको. तो कहाँ यूज होता है ये, एट द एंड ऑफ सेंटेंस ऑफ फ्रेज एक्सप्रेसिंग सडन इमोशन, जहां पर आपकी भावनाएं प्रकट करती हैं वहां पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज करते हैं. वो भावनाएं खुशी की भी हो सकती हैं, दुख की भी हो सकती हैं, उत्साह की भी हो सकती हैं. ठीक, तो अलास, आ, हुर्रे, हश, दीज ऑल आर द वर्ड्स विच शोज द इमोशंस. देयरफॉर यहाँ ये जो आपका साइन देखेंगे यहाँ पर क्या साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन है यहाँ पर. उसके बाद आ में भी एक्सक्लेमेटरी साइन है, हुर्रा में भी है. अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, व्हाट अ चार्मिंग सीनरी, राइट. सो देयर इज ऑल द अदर सेंटेंसेस विच आर शोइंग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. चलिए नेक्स्ट आता हमारा एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी क्या है, टू शो दैट सम लेटर्स, लेटर और लेटर्स आर ओमिटेड. कभी हम शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं, जैसे डू नॉट का क्या हो गया, डोंट. तो यहां हमने क्या कर दिया, कौन सा साइन लग गया, एपोस्ट्रॉफी का साइन लग गया. हैव नॉट को हमने शॉर्ट बना दिया है, हमने क्या कर दिया, हैवेंट लिख दिया है. हमने क्या कौन सा क्या क्या यूज कर दिया है, एपोस्ट्रॉफी यूज कर दिया है. ठीक, तो डोंट, डू नॉट का डोंट हो गया, हैव नॉट का हैवेंट हो गया. और क्या किससे यूज किया हम लोगों ने, एपोस्ट्रॉफी हमने यहाँ लगाया. ठीक है, उसके बाद टू शो पोसेशन किसी का, मेरे राम का, अकबर का, मोहन का, रानी का, तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं. दिस इज मोहित्स बुक, यह मोहित की किताब है. तो मोहित की किताब का हमने क्या कहा, यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगाया, एस लगा दिया. और ये हमने क्या करा हुआ, रेड से क्यों करा हुआ, क्योंकि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. चलिए उसके बाद मोहित हो गया. तो ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हम लोगों ने पंक्चुएशन कर रहे हैं और हम लोगों ने काफी सारे कैपिटल्स कर, कैपिटल लेटर्स यूज कर लिया, फुल स्टॉप यूज करा, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्वेश्चन मार्क यूज किया. कुछ और बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. ठीक है बच्चों, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. अपना ख्याल रखिए, अभी कोविड चल ही रहा है इसका, और डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ाई करते रहें अपने, और जहाँ भी जाएं हाथ अच्छे से धोएं. ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय बच्चों.